आज इंसाफ का दिन है, निर्भया को आज न्याय मिला है। 7 साल के बाद जो है वो न्याय मिला है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ निर्भया को इंसान इंसाफ नहीं मिला तो लाखों निर्भया जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही है उनके लिए एक मिसाल है कि हमारे आरोपियों के साथ भी ऐसा होगा। और जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उनके लिए मन में एक खौफ जरूर आएगा कि अगर हमने ऐसा कुछ गलत किया तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा निर्णय है और इस निर्णय का सभी ने स्वागत करना चाहिए। और निर्भया की जो माँ है, जो 7 साल संघर्ष करती रही, हम उनके भी उनका भी अभिनंदन करते हैं क्योंकि उतार चढ़ाव आए लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। और ऐसी ही माँ अगर सभी की माँ अगर आगे लड़ेगी तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। निर्भया की जो माँ है उनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। 7 साल तो उन्होंने लड़ाई दी उनकी जो बेटी है उसको न्याय मिलने के लिए, लेकिन आज जब खुद के बेटी को न्याय मिला तो उनका मन इतना बड़ा हुआ है कि उन्होंने आज कहा है कि आज जो आज मेरे बेटी को इंसाफ मिला लेकिन बाकी सभी देश की बेटियों को इंसाफ लेने देने के लिए मैं लड़ूंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा संदेश है कि और जो महिलाएँ हैं उनको भी जो है वो प्रोत्साहन उन्होंने दिया है और आप भी लड़े, अभी रोना नहीं है तो लड़ना है, ऐसा संदेश जो है वो निर्भया माँ के माध्यम से आज दिया गया है। बिल्कुल न्यायालय जो है वो जस्टिस देता है, बहुत देर होती है। सिर्फ मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी, आज तो खुशी का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, लेकिन ऐसे जो निर्णय है उसके लिए एक जो है वो टाइम लिमिट होना चाहिए। आप देखेंगे कि निर्भया के आरोपी जो है उनको फांसी की सजा देकर भी 2.5 साल जो है वो उनके अधिकार जो है रिव्यू पिटिशन हो, मर्सी पिटिशन हो, उसमें इतने सारे दिन गए, लेकिन अगर कोई भी आरोपियों को अगर फांसी देनी है तो जिस दिन अपराध हुआ है उसके 6 महीने मतलब 6 महीने के अंदर उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा अगर कानून आया तो बिल्कुल ऐसी घटनाएं कम होगी। निर्भयाच्या आरोपींना आज फांसी देण्यात आली। खरं तर 7 वर्ष 3 महिने 4 दिवसांनी ही फाशी दिली आहे। आज न्यायाचा दिवस आहे आणि हा फक्त निर्भयाला मिळालेला न्याय नाही तर अशा लाखो निर्भया आहेत की ज्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत। आता त्यांनासुद्धा आपण आपल्याबरोबर ज्या आरोपींनी अशा अत्याचार केलेला आहे त्यांनाही तीच शिक्षा मिळेल अशी त्या निर्भयांची आणि त्यांच्या घरच्यांची जी आहे ती मानसिकता किंवा आज तो जो आहे तो हौसला त्यांचा वाढणार आहे। आणि या आरोपींना तर फाशी झालीच पाहिजे, परंतु असे जे गुन्हेगार आहेत ज्यांनी असे कृत्य केलेले आहेत किंवा असे करण्याचा कोणी विचार करत असेल किंवा अशी ज्यांची मानसिकता आहे त्यांच्यासाठी ही नक्कीच मोठी दहशत आहे की आपण जर असं काही क्रूर कृत्य केलं तर नक्कीच आपल्याला सुद्धा फासावर लटकवलं जाईल। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, हे आपण बघितलं असेल की या प्रकरणामध्ये। आणि निर्भयाच्या आईने जेव्हा आज सांगितलं की माझ्या मुलीला तर न्याय मिळाला परंतु आज देशातल्या प्रत्येक मुलीसाठी मला हा लढा लढायचा आहे, खरं तर हे फार मोठं मन आहे। आज 7 वर्षाच्या संघर्षामध्ये बरेच उतार चढाव आले, त्याच्यामध्ये त्या हिम्मत हारल्या नाहीत आणि जेव्हा अशा पद्धतीचा संदेश त्या देशातल्या मुलींसाठी देतात, मला वाटतं महिलांनी आता जागं झालं पाहिजे, धाडसी झालं पाहिजे, यासाठी असलेला त्यांचा हा प्रयत्न आहे। आणि निश्चितच महिला आता जर कुठं काही चुकीचं झालं तर नक्कीच रस्त्यावर धाडसाने उतरतील।